द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में विज्ञान शाकुंतलम देख रहे हैं हम। राजा की उक्ति देखिए, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा। सारथी से कहते हैं, जब सारथी ने उनको कहा कि मैं आपको साक्षात धनुष बाण के साथ भगवान शिव के समान देख रहा हूँ, उसके बाद राजा की उक्ति है अमुना सारंगेण मतलब अनेन चित्रांगेण इस हिरण के द्वारा दूरम दूर तक वयम आकृष्टा हम खींच लिए गए, अर्थात हम इसके पीछे पीछे बहुत दूर तक आ गए हैं। आ उपसर्ग है, कृष धातु है, कर्षण जिससे और अक्ता प्रत्यय तो आकृष्ट आकृष्टा बहुवचन। अयम पुनः इदानीम अयम मतलब ये हिरण पुनः फिर इदानीम अभी भी यह हिरण अभी भी। अब देखिए बहुत ही बढ़िया श्लोक है और स्वभावोक्ति अलंकार जो होता है उसका ये उत्तम उदाहरण मानते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जीव के स्वभाव का उसके व्यवहार का चित्रण होता है उसे हम स्वभावोक्ति कहते हैं। ये स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण मानते हैं। इसे ग्रीवा भंगाभिराम मुहुर अनुपतत स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम गर्भैर अर्धावलीढ़ै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्त्मा पश्य उदग्र पुलतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। देखिए इसका अन्वय देखते हैं। पश्य अनुपतति स्यंदने मुह ग्रीवा भंगाभिरामं बद्ध दृष्टि सन शरपतन भयाद पश्चाद अर्धेन पूर्व कायम प्रविष्टः अर्धावलीढ़े श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः दर्भैः कीर्ण वर्त्मा अयम मृगः उदग्र पुलुतत्वात् वियति बहुतरम् उर्व्याम स्तोकम् प्रयाति। मतलब मुख्य वाक्य इसमें यह है कि अयम मतलब यह सारंगः यह हिरण वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयात। ये इसका मुख्य वाक्य। वियति आकाशे बहुतरम अधिकांश मात्रा और स्तोकम उर्व्याम उर्वी का सप्तमी एक वचन होता है उर्व्याम पृथिव्याम स्तोकम अल्पम प्रयाति धावत। यह जो हिरण है ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसका पीछा किया जा रहा है यह आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। अब इसी का देखिए कहते हैं पश्य देखो अनुपतति स्यंदने ये सप्तमी एक वचन है अनुपतति स्यंदने स्यंदन कहते हैं रथ को अनुपतति अनु मतलब पीछे पीछे और पतति ये शत्रु प्रत्ययांत सप्तम्यंत है अनुपतत बनाएंगे पहले पीछे पीछे दौड़ता हुआ और सप्तमी एक वचन अनुपतति अनुपतति स्यंदने पीछे पीछे आते हुए दौड़ कर आते हुए तीव्र गति से आते हुए रथ पर ये अर्थ हुआ मुहुः पुनः पुनः मुह का अर्थ होता है पुनः पुनः बार बार
ग्रीवाभंगाभिरामं बद्ध दृष्टि। यह हिरण कैसा है? तो इस रथ पर बद्ध दृष्टि, उसकी दृष्टि बंधी हुई, और जब दृष्टि बंधती है तो ग्रीवाभंगाभिरामं, ग्रीवा मतलब गर्दन, भंग मतलब मोड़ना, अभिराम मतलब सुंदर, गर्दन को मोड़ कर वह रथ की ओर दृष्टि डालता है, रथ पर अपनी दृष्टि जमाता है तो अत्यंत सुंदर दिख रहा है। ये अर्थ है ग्रीवा भंगा विरामम बद्ध दृष्टि, दृष्टि जमाए हुए रथ के ऊपर, और ग्रीवा के मुड़ने से, गर्दन के मुड़ने से अत्यंत अभिराम यानी सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं शरपतन भयाद, शर पतन, शर मतलब बाण, पतन मतलब गिरना, शर के पतन के भय से, भयात पंचमी है, शर पतन भयात भूयसा अधिकांशतः पश्चात अर्धेन, पीछे के आधे भाग से, शरीर के पीछे के आधे भाग से भूयसा पूर्व कायम प्रविष्टः, प्रायः अधिकांश रूप में अपने शरीर के अग्रभाग में मानो प्रविष्ट, यानी शरीर को जब पीछे से सिकोड़ता है वह हिरण तो लगता है अग्रभाग में प्रविष्ट हो जाना चाहता है। शरपतन भयात बाण के गिरने के भय से पश्चात अर्धे, शरीर के पिछले आधे भाग से पूर्व कायम भूयसा प्रविष्ट, अपने शरीर के अगले भाग में बहुत अधिक प्रविष्ट हुआ सा यह हिरण, दर्भय अर्धावलीड़ श्रम विवृत मुख भ्रंशिर्तवर्तवर्त, श्रम विवृत, श्रम मतलब थकान, विवृत मतलब खुला, थकान के कारण खुले हुए मुख से भ्रंशिभिः गिरते हुए, जो घास उसे चरी थी, मुंह खुला है दौड़ रहा है तो घास गिरती जा, श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरते जाते हुए दर्भय, उस कुशई, दर्भ कहते हैं कुश, और कुश कैसे हैं, अर्धावलीढ़ आधे चबाए हुए, अवलीढ़ लीह मतलब चाटना होता है, वैसे यहाँ चबाने के अर्थ में अर्ध अवलीह, आधा चबाया हुआ कुश, आधे चबाए हुए कुश जो उसके मुंह से गिरते जा रहे हैं, उनसे कीर्ण वर्तमा, वर्तम को यानी मार्ग को कीर्ण हरता हुआ, व्याप्त करता हुआ, उसके मुंह से कुश घास आदि चबाई हुई गिरती जा रही और मार्ग भरता जा रहा है, ऐसा है वह हिरण। और पश्य देखो उदग्र पुलुतत्वात्, तीव्र उछाल के कारण, प्लुत मतलब उछाल कूदना, ऊंची कूद के कारण ऐसा लगता है कि व्यति बहुतरम, ये आकाश में अधिक शोकम उर्व्याम, और पृथ्वी पर कम प्रयाति जा रहा है। यह स्वभावोक्ति का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि हिरण का पीछा किया जा रहा है, राजा अपने रथ पर सवार है और बाण का संधान किए हुए, ऐसे में हिरण का स्वभाव क्या होता है? किसी भी पशु को आपने देखा होगा, अगर पीछे से प्रहार होता है तो अपने शरीर को सिकोड़ता है, बचाव करता है, यह हिरण भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पश्चात अर्धेन भूयसा प्रविष्टम पूर्व काया है, शरीर के अगले भाग में लगता है प्रविष्ट हो जाएगा, पीछे को इतना मोड़ रखा है अपने शरीर, और मार्ग को आधी चबाई हुई कुशा घासों से, कुश की घासों से मानो भरता हुआ जा रहा है, और गर्दन को मोड़ कर बार बार रथ पर दृष्टि भी जमाए हुए, ऐसा, और वह सुंदर दिख रहा है, ऐसा हिरण है ये जा रहा है। देखो सविस्मयम, विस्मय के साथ, तदेव कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय,
अचरज के साथ कहता है, तो मेरे पीछा करते करते कैसे इस हिरण के दर्शन मुझे हो गए, मैंने भी इस हिरण को देख लिया, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीय, मेरे भी लिए ये प्रेक्षणीय हो गया, दर्शनीय हो गया, मैं भी इसके दर्शन कर पा रहा हूँ। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है और ये व्याख्या में पूछा जाता है।